हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कल हमने फ्लावर बनाना सीखा था, आज हम गणपति डेकोरेशन में एक बास्केट बनाना सीखेंगे। बास्केट बनाने के लिए हमें इस तरह की, देखिए, बास्केट चाहिएगी। प्लास्टिक की टोकरी है ये, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और इस तरह का पाइप हमने व्हाइट वाला यूज किया है, ये पाइप भी आसानी से आपको मिल जाएगा हर जगह। सैटिन का कपड़ा है, मैंने व्हाइट सैटिन का कपड़ा लिया है इसमें। और थर्माकोल लिया है, ये थर्माकोल थोड़े थिक है, मोटा है। आप थिक और मोटा और पतला दोनों तरह का थर्माकोल रखिएगा। अगर आपको मोटा थर्माकोल ना मिले तो पतली दो शीट को ज्वाइन करके आप मोटा कर सकते हैं इसे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थर्माकोल लेंगे, उस पर हम ये बास्केट रखेंगे। हमें थर्माकोल को ओवल कटिंग करना है। ओवल कटिंग करने के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं कटिंग, और नहीं तो पेपर पे। मैं सजेस्ट करूंगी आप पेपर पे पहले ओवल कटिंग कर लीजिए ताकि बाद में आपको यहाँ ड्रॉ करके इजी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह के पेपर पे मैंने ये ओवल कटिंग कर रखी है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे रखेंगे और रख के देख लेंगे टोकरी को हम बीच में। देखिए, मैं आपको प्लांट करके दिखा रही हूं। बहुत ज्यादा भार नहीं करनी है, थोड़ी सी भार रखनी है। यहां हम हमारा पाइप चिपकाएंगे थर्माकोल के ऊपर, इसलिए हमें बहुत ज्यादा बाहर नहीं रखनी है। पाइप चिपक जाए उतना ही रखना है, और ऊपर का घेरा बड़ा आएगा इसलिए नीचे का घेरा हमें छोटा रखना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। सबसे पहले इसे ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ कर कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमारा ये ओवल कटिंग हो गया है। अब इस पर हम ये जो ओवल हमने पेपर कटिंग किया था, ये पेपर कटिंग लगा देंगे। ये पेपर कटिंग हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ पे जब अपना पाइप चिपकाएं तो आसानी से चिपक जाए। थर्माकोल जनरली जल जाता है पाइप, ये अपना ग्लू गन लगाने से। तो हम फेविकोल के हेल्प से इसे पूरा अच्छे से चिपका देंगे। देखिए, पेपर लग गया है। अब हमें क्या करना है, बास्केट लेनी है और इसके सेंटर पे हमें बास्केट रखनी है। थोड़ा अंदाजा ले लें, चारों तरफ से एक सार है, वो अंदाजा लेके हमें बास्केट रखनी है। अब हमें क्या करना है, ये बास्केट के नीचे देखिए हल्का सा ये बाहर निकली हुई है, ये बास्केट हमारी। इसे हम इस फेविकोल के अंदर धसाना है। सबसे पहले हम इसे प्रेस करके इसकी मार्किंग ले लेंगे और वहां से हल्का हल्का फेविकोल कुरेद के निकाल देंगे और फेविकोल डालकर इस बास्केट को हमें उसमें फिट कर देंगे ताकि ये बास्केट हमारी हिले नहीं, फिट हो जाए वहां पे। मार्किंग लेने के बाद में इस तरीके से थोड़ा इसमें जगह बना देंगे हम ताकि हमारी बास्केट यहाँ पे फिट हो सके। उसके बाद में, मार्किंग होने के बाद में एक बार हम रख के देखेंगे कि हमारे बास्केट फिट हो रही है ना। ऑलमोस्ट ये फिट हो गई है, थोड़ा लगे तो थोड़ा और कुरेद के सिर्फ फेविकोल से चिपकाना है बस। बास्केट चिपकने के बाद में हम ये पाइप लगाएंगे। पाइप आप देखिए, ये हमारा थर्माकोल है, थर्माकोल के ऊपर ही हमें लगाना है कॉर्नर पर, इस तरीके से एग्जैक्ट थर्माकोल के ऊपर हमें लगाना है। इस तरह से हमें चारों तरफ घुमाना है। अब आप ग्लू गन की हेल्प लेके आराम से लगा सकते हैं इसे, इस तरह से चारों तरफ से। पहले साइज ले लें और फिर इसे चिपकाते जाएं, या चिपकाने के बाद, चिपकाते हुए भी साइज लेते हुए एंड में कटिंग कर सकते हो आप। ये इस तरीके से पूरा आप चिपका दीजिए इसे। ये देखिए, नीचे का हमारा चिपक के रेडी हो गया है, बास्केट और ये पाइप चिपक गया नीचे से। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर लगाना है। इस बास्केट को हमें ओवल करना है, ये स्क्वायर है तो जिस तरह से हमने नीचे तो थर्माकोल का बेस लिया है, ऊपर हम कोई बेस नहीं ले रहे। ये जो कॉर्नर है
बास्केट जो कॉर्नर है बास्केट के, इस कॉर्नर पे हम नीचे वाले से आगे थोड़ा सा बढ़ा ताकि हमारी ट्रे बास्केट स्लांट लगे, इस तरीके से, इस तरीके से हम चिपकाएंगे कॉर्नर टू कॉर्नर, तुम्हारी पूरी बास्केट राउंड हो जाएगी। अगर अकेले से नहीं लगे तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं इसको चिपकाने के लिए। जिस तरह से इस कॉर्नर पे, ये दो कॉर्नर पे हम चिपका रहे हैं, उसी तरह से हम इसे इस तरीके से साइड में भी चिपकाएंगे, तो कंप्लीट हमारी ओवल बास्केट बन जाएगी। ये एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी स्क्वायर बास्केट है, ये हमारा पाइप राउंड है, हम ये दोनों कॉर्नर पे इस तरीके से राउंड पाइप लगाएंगे, नीचे जो हमने पाइप लगाया है उससे बड़ा हम अंदाजे से लेंगे, बिल्कुल उससे बड़ा ले लेंगे इस तरह का राउंड, और बिल्कुल इसी तरीके से हम ये साइड में, यानी कि दूसरे साइड में बास्केट के, ये देखिए मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी साइड में बास्केट के थोड़ा राउंड आगे बाहर निकाल के यहाँ चिपका देंगे। इस तरह हम बास्केट में चारों तरफ इस तरीके से बाहर निकाल के लगा देंगे, तो हम और लगाएंगे स्क्वायर के कॉर्नर पे ताकि हमारा स्क्वायर ढक के ओवल दिखने लग जाए। देखिए हमारी बास्केट को लग के रेडी हो गया है, ऊपर का पाइप भी, बीच बीच में मैंने ये थर्माकोल के टुकड़े लगा दिए हैं इसे सपोर्ट देने के लिए ताकि ये नीचे गिरे नहीं, इस तरीके से फेविकोल से मैंने इसे चिपका दिया है। थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा लेकिन ये हमारे स्टैंड के लिए है, सूखने पे मजबूत हो जाएगा। अभी जो खाली जगह है हमारी, ये खाली जगह को हम फिल कर देंगे, नीचे जैसे गैप है और ये ऊपर जो गैप है, कपड़ा लगाने से पहले इसमें हम रद्दी न्यूज़पेपर फिल करेंगे। रद्दी न्यूज़पेपर देखिए इस तरीके से फिल करेंगे, ये रद्दी न्यूज़पेपर का हम, ये देखिए रफ न्यूज़पेपर लेंगे और इस तरह से कुछ इसे हम गोले जैसे बना देंगे। गोले जैसे बनाने के बाद में ये देखिए जो खाली जगह है यहाँ पे हम ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे, ऐसे हम पूरे बास्केट में चारों तरफ चिपका देंगे ताकि हमारा ये फ्लफी भी हो जाए और कपड़ा लगाएंगे जब भी हमारी शेप भी काफी अच्छी आएगी इससे। देखिए हमारा सब लग के रेडी हो गया है, रफ पेपर्स हमने लगा के चारों तरफ से इसे बास्केट का शेप दे दिया है। अभी हम इस पर कपड़ा लगाएंगे, कपड़ा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे उल्टा कर देंगे, ये देखिए इसे हमने उल्टा कर दिया है। अब हम कपड़ा लेंगे, मैंने देखिए वाइट सैटन लिया है, ये मैंने 5 मीटर लिया है, कपड़ा मैंने ज़्यादा ही लिया है, अगर बच जाए तो छोड़ देंगे हम, लेकिन कपड़ा ज़्यादा ही रखें। अब हमें लगाना कैसे है मैं स्लांट करके आपको बता रही हूँ। देखिए कपड़े को हम इस तरीके से स्टार्टिंग फोल्ड देंगे, इस तरीके से, और हम सबसे पहले तो हम ऑल पिन की हेल्प से इसे अटैच कर देंगे। एक बार जब हमारा फाइनल हो जाएगा तो फिर बाद में इसे हम चिपका सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑल पिन से अटैच कर दिया। अब हमें काफ़ी सारी चुन्नटें लेनी है, एकदम पास पास में, पास पास में, जैसे ऑल पिन निकाल के मैंने दोबारा इसमें डाल दिए, ये देखिए इस तरीके से ढेर सारी चुन्नटें। भले ही आपका कपड़ा पूरा लग जाए आप उसकी चिंता ना करें, चुन्नटें हम इसलिए ले रहे हैं ज़्यादा ताकि जब हम आगे फोल्ड करें तो आगे हमारे सलवटें आ सके, पूरी बास्केट हमारी प्लीट प्लीट वाली दिखे, इसलिए हम इस बास्केट पे इस तरह की चुन्नटें ले रहे हैं, इस तरह की प्लीट्स ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह की प्लेट साइज, अब इसे पकड़ के हम ऑल पिन से एक बार सेट कर देंगे ताकि हिले नहीं। सबसे पहले फिर ये करने के बाद में हम आगे करेंगे और फिर उसके बाद में हम चिपका देंगे पूरा। ये देखिए हमारा पूरा पीछे से रेडी हो गया है, पूरा देखिए मैंने सिलवटे डाल के, मैंने 5 मीटर कपड़ा लाए थे, पूरा 5 मीटर का 5 मीटर कपड़ा लग गया है इस पर, इसलिए मैंने कहा था ज़्यादा कपड़े लाना। क्या है अब इसमें सिलवटें हैं, देखिए कितनी अच्छी सिलवटें आ रही है, अब यही सिलवटें हम पूरा आगे सलसल में लेके जाएंगे इसे, इसी तरह की सिलवटों वाले। अब इसे हम सीधा कर देंगे, बहुत आराम से धीरे से सीधा करना, और अगर सीधा करने से पहले आप इसे चिपकाना चाहें
तो चिपका भी सकते हैं। चिपकाने के लिए अब आपको क्या करना है, कपड़ा बड़ा है काफ़ी, आराम से बिल्कुल टाचनी निकले नहीं, इस तरीके से आप इसे उठाएंगे और यहाँ पर आप फेविकॉल डाल देंगे, या अगर आप चाहें तो पेपर चिपका के ग्लूगन डाल के आप इसे उससे भी चिपका सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, और नहीं तो खूब सारा फेविकॉल डाल के भी आप इसे चिपका सकते हैं। देखिए ये बास्केट हमने अब सीधी कर ली है, अब ये बहुत मैसी है, अब इसे हम पूरा अरेंज करेंगे। देखिए ये जो पीछे की प्लेट्स है ना, ये सब आगे पीछे हो गई है सीधा करने के चक्कर में, तो अब देखिए आप इसे इस तरह से अरेंज करेंगे, और अरेंज करते करते इस तरह हम इसे टाइट करके शेप देते हैं। ये देखिए बास्केट की शेप दिख रही है, बास्केट की शेप आने लग गई, ये हम टाइट करके इसे अंदर की तरफ चिपकाते जाएंगे। इसी तरह हम पूरी बास्केट को, ये कपड़ा मैंने काटा नहीं है अंदर से ताकि हाइट हो जाए, अंदर डीप बहुत है ये बास्केट हमारी, इसलिए मैंने उस कपड़े को और कटिंग नहीं किया, और रैंडमली बहुत ज़्यादा प्लीट आप अरेंज नहीं करोगे, थोड़ी रैंडम आने दोगे तो भी अच्छी लगेगी। ये देखिए, और बाकी हमारी सब डेकोरेशन होगा तो सब छुप जाएगी। ये देखिए आप थोड़ा टाइटली करेंगे, ये देखिए आपको ये शेप प्रॉपर आएगी, ये देखिए अब आपको बास्केट की शेप दिखने लगी होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही घरेलू चीज़ें से मैंने आपको ये बनाना सिखाया है, बहुत कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, सिंपल तरीके से सबसे पहले इसे चारों तरफ से अरेंज कर लेंगे, उसके बाद ही आप चिपकाना शुरू करेंगे, क्योंकि सल कहाँ से कितनी आ रही है जजमेंट नहीं आएगा आपको पहले से। हमने काफी सल पीछे दिए, ये देखिए हम बीच बीच में टाइट कर करके भी देख लेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी बास्केट की शेप बैठ गई है, प्रॉपर राउंड भी हो गया है, लग ही नहीं रहा अभी हमारा कि हमने स्क्वायर प्लास्टिक की टोकरी यूज की है इसके अंदर। देखिए हमारी बास्केट रेडी हो गई, नीचे का पोर्शन रेडी हो गया है, इसमें अंदर मैंने थर्माकोल की लेयर्स लगा दी है हाइट कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा हाइट है इसके अंदर, और एक रफली अंदाज़ा भी ले लिया कि अगर हम पाटा रखते हैं तो देखिए ये हाइट चाहिए, अगर आप पाटा नहीं रखते हो तो आप इसे और थर्माकोल डाल के इसके हाइट को बढ़ा सकते हो आप। सिंपल तरीके से बनी हुई बास्केट आज हमारी रेडी है, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम हमारी बास्केट को पूरा कर सके, हैंडल लगाना, अदर डेकोरेशन जो भी होगा हम कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।